नमस्कार, समाचारों साथे हूं छु अनवी। क्षत्रिय समाज पर विवादित टिप्पणी मामले रूपाला सामे क्षत्रिय समाज में रोष यथावत छे। अने धंधुका में चुडासमा राजपूत समाज द्वारा क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन नु आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमा राज्यभरमांथी क्षत्रिय समाजना आगेवानो सामेल थवा माटे धंधुका पहोंच्या हता। मोटी संख्यामां क्षत्रियाणीओ पण क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलनमां सामेल थवा धंधुका पहोंची हती। क्षत्रिय समाजना आगेवान शेरसिंह राणा अने करणी सेनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपालसिंह मकराणा पण क्षत्रिय सम्मेलनमां उपस्थित जोवा मळ्या। तो ज्यां सुधी रूपालाने टिकिट रद्द नहीं थाय त्यां सुधी अन्न नहीं लऊं तेवी पद्मिनी बा द्वारा कहेवामां आव्युं हतुं। वीरभद्रसिंह कह्युं के भाईओ जीवता छे त्यां सुधी बहेनोए कंई करवानी जरूर नथी। मोटी संख्यामां क्षत्रिय समाजना लोको छे ते आ सम्मेलनमां उपस्थित छे। देश आजाद थया बाद क्षत्रिय समाज पहली वक्त आंदोलन करवा आव्यो होवानुं हरपालसिंह द्वारा कहेवामां आव्युं छे। अमदावादना धंधुकामां क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलननुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां आंदोलन आगामी दिवसोमां करवामां आवशे ते अंगेनी रणनीति पण नक्की करवामां आवी रही छे। माफी नहीं फांसी आपवामां आवे पण माफ न कराय तेवा निवेदनो आ सम्मेलनमां जोवा मळी रह्या छे। आज यहां राजकोट में ये समस्या हुई, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। इसका परमानेंट हल यही है कि क्षत्रिय अपनी सत्ता हासिल करें दोबारा से अपने पूर्वजों की तरह। और मेरा वादा है, एक प्रश्न है, आज अहमदाबाद में भी मैंने बोला, एक गलतफहमी आप दूर कर लीजिएगा। आप लोग ये कहते, मैं आपसे पूछता हूं प्रश्न, मुझे बताइए कि एक जाति एक समाज से क्या कोई राजनीतिक दल बन सकता है? बन सकता है जी? सबका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उत्तर बता देता हूं। राजनीतिक दल एक ही जाति से बनता है। हां, विधायक और सांसद एक जाति से नहीं बनता। आप सारे लोग मिलकर एक दल बना लीजिए आज, और पुरुषोत्तम रूपाला जी के खिलाफ उन्हीं के समाज का एक जो है एक व्यक्ति खड़ा कर दीजिए। आप मुझे बताइए, आप सारे लोग मिलके, और वो प्रत्याशी अपने समाज का वोट लाएगा, जब दो समाज मिलेंगे हार जाएंगे, वो जीत जाओगे? आप जीत जाओगे कि नहीं? बस, अरे जितनी भी देश में पार्टियां हैं, बीजेपी आपको टिकट क्यों नहीं देती? राजस्थान, ये पूरे गुजरात में एक भी टिकट आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है कि आप उसकी रीढ़ की हड्डी हो। अगर आपको ही टिकट देगा तो इतनी वोट मिलेगी भाई, आप में से किसी को टिकट दिया तो इतनी वोट मिलेगी ना, तो वो किसको टिकट देंगे? जो उनका वोटर नहीं है, वो उधर से एक को टिकट देंगे तो हजार आदमी वो लाएगा, और आप सारे हो ही उसके साथ, तो जीत जाएगा वो, जीतेगा कि नहीं? तो आप उसकी जितना उसने नींबू की तरह आपको निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब आप जो है उसके जो चालबाजियां उससे बाहर निकलिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, जैसा भी कमेटी निर्णय लेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, हमने कभी भी जो भी जहां पर भी हम जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो आयोजक होते हैं, जो निर्णय वो लेते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, उसी का आदेश मानते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि जो बात मुझे अपने समाज के लिए अच्छी लगती है, जो बात मुझे समझ में आई, जो मुझे लगता है कि मेरे समाज की समस्याएं इस रास्ते पर चलने से कम होंगी या खत्म होंगी, तो मेरा फर्ज है कि वो बात वो विचार मैं आपके सामने रखूं। इसी सोच के साथ मैंने अपना विचार अपनी बात आपके सामने रखी। एक दिन आप इस रास्ते पर चलेंगे ये मुझे पता है, लेकिन अगर ज्यादा देर करेंगे तो कई बार डंडे खाने पड़ेंगे, कई बार अपमान झेलना पड़ेगा। अगर जल्दी समझ जाएंगे तो आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, इन समस्याओं का अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद। आभार शेरसिंह राणा सर। हवे हुं विनंती करू छु रविराज भाई ने। तो क्षत्रिय आगेवानो द्वारा एक बात एक संबोधन करवामां आवी रह्या छे। पीटी डाणा द्वारा पण संबोधन करवामां आव्युं अने कह्युं के भाजप अत्यार सुधी क्षत्रिय समाजनो उपयोग करी रही हती। शा माटे भाजप द्वारा अत्यार सुधी एक पण क्षत्रिय समाजना आगेवानने टिकिट आपवामां नथी आवी, अने जे भाजप चाल रमी रही छे तेनाथी हवे तमे बहार आवो,
તેવું તેમના સંબોધનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય આગેવાનો છે, ક્ષત્રિય સમાજના લોકો છે આ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત છે। ભુજમાં થઈ, જામનગર થઈ, કોઈ જગ્યાએ આપણા ભાઈઓએ કાયદો હાથમાં નથી લીધો। પોલીસ ગન સાથે, એટલે વોટર ગન સાથે ત્યાં તૈયાર રહી છે, એ માનસિકતા સાથે કે રાજપૂત સમાજનું બ્લડ ગરમ છે, પણ આ મર્યાદા આપણે જાળવી છે। આ લડાઈ આપણી લાંબી છે, એ મારે ને તમારે સમજવાનું છે। એટલે મોટામાં મોટી સંખ્યામાં માથાઓ ભેગા થાય, બહારના રાજ્યોથી પણ આવે અને આ આપણું આંદોલન રાજ્યની બહાર પણ જાય, કેમ કે માત્ર આપણા ગુજરાતનો સવાલ નથી, ગુજરાતની રાજપૂતોનો સવાલ નથી, આ ભારત વર્ષના રાજપૂતોનો સવાલ છે, સર્વ ક્ષત્રિય સમાજ અને સર્વ જ્ઞાતિનો આ સવાલ છે। ફરી કે હવે ગુંગ્યો વાગ્યો છે તો બધાનો માંડવો મેદાને હોવો જોઈએ। કે આપણે સોશિયલ મીડિયા ઉપર બહુ ગરજીએ છીએ, બહુ વરસીએ છીએ, આ ગ્રાઉન્ડ ઉપરની લડાઈ છે। અત્યાર સુધી સોશિયલ મીડિયા એ ખૂબ સારો રોલ ભજવ્યો છે, આગળ પણ ભજવશે, પણ જો ગ્રાઉન્ડ ઉપર નહીં આવો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી દેખાશે। દરેક યુવાનોએ સોશિયલ મીડિયા અને ગ્રાઉન્ડ બંનેનો ઉપયોગ કરવો પડશે। દરેક અહીંયા ધંધુકામાં સંમેલન હોય, સુરેન્દ્રનગરમાં હોય, બરોડા, સુરત કે અમદાવાદ, ગમે ત્યાં હોય, અમે અમદાવાદ થી આવ્યા છે, ભાઈ શ્રી મહિપાલસિંહજી રાજસ્થાન થી આવ્યા છે, શેરસિંહજી છેક ઉત્તરાખંડ થી આવ્યા છે, તો દરેક જગ્યાએ આપણે ઉપસ્થિત રહી શકીએ તો જ આપણે આપણું અસ્તિત્વ જાણવા માંગીએ છીએ એવું સાબિત થશે। વિધર્મીઓ અને રોટી બેટી બે શબ્દો છે, એટલે હિન્દુ ધર્મની જે વાત કરે છે, સનાતન ધર્મ કોને રાખ્યો, એટલે કહેવાનો અર્થ શું છે કે છેલ્લા ઘણા વર્ષથી ભારત વર્ષમાં જાહેર જીવનમાં જે નૈતિક મૂલ્યોનું અધપતન થઈ રહ્યું છે તેને અટકાવવા માટેની વાત, એને અટકાવવા માટેની લડત આ સમગ્ર ભારત વર્ષની પ્રજા માટેની વાત છે। આ પ્રજાના હિતનું કામ છે કે નહીં, તો ટિકિટ બિકિટ તો સામાન્ય વાત છે, પણ આ રીતે આ પ્રશ્નને આપણે સમજીએ અને એ રીતે સમજીએ તો જ બધાના હિતની વાત કહેવાય, અને રાજપૂતે કે ક્ષત્રિય આ રીતે પ્રશ્નને સમજવો પડે કે ભારતનું હિત, ભારતની નૈતિકતા, ભારતનો ધર્મ આ બધાના રક્ષણ માટેની આ જાગૃતિ છે। એ મને પહેલી વાર લેડદાદા લાગ રહે, 18 સાલ મેં કિતની વાર ઇસ સમાજ કે લિયે કિતની રાતે જેલ મેં કાટી હૈ કભી ગિનતી કરી નહીં, ઓર ગિનતી કરતા તો યહાં આતા નહીં। સીધા સા હૈ, જબ તક ઉનકો ઉસ વ્યક્તિ કો યે સમજ મેં નહીં આતા કે હમારી શત્રાણિયા જો અંતિમ કદમ હૈ જો હૈ વો કરને કો તૈયાર હૈ, ઓર હમ अभी भी गर्व से सर ऊपर करके खड़े हैं, तो शर्म है अपने धिक्कार है अपने अस्तित्व पर, हमारे होने पर कि हम क्षत्रिय है, हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तब मुझे यह आना पड़ा कि वहां पे हमारी जरूरत है। आज गुजरात चलो, गुजरात की बहन बेटियां उनके चरित्र पर, मेरी माता बहनों के चरित्र पर कोई दाग बताए उससे पहले उसकी जबान काट ले, ये हमारा वहां सीधा 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 वो होना चाहिए था। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अहिंसात्मक करेंगे, हो सकता है ये गांधी की धरती है, पर ये महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की धरती भी नहीं है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, वो जो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने की औकात हमारी है। हम उस झालामान महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान दुर्गादास राठौर की संतान है। 17 बार गौरी को माफ किया, उनका एक बार चला, महाराणा प्रताप की आंख निकाल ली गई, 4 बार से 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और तब ऊपर सुल्तान हर मत चूका चौहान, 34वीं पीढ़ी से आता हूं पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ लेगा तो भी बदला लेंगे।
कल पत्रकार बंधु बोल रहे थे, एक लाइव में मैं था कि अभी भी अब तीन बार माफी मांग ली उसने, अकड़ काई की है। बात बहन बेटी के चरित्र की है, तुम अकड़ की पूछ रहे हो? अकड़ में और पश्चाताप में, अकड़ में और स्वाभिमान में, अकड़ में और सम्मान में तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता? अगर बात मेरे सम्मान की होती, कल मेरी टोपी उछाल दी गई प्रशासन के द्वारा। अगर यही टोपी किसी सिख समुदाय की होती तो इस देश में क्या आग लग रही होती? हम में आज भी निष्पक्षता है, सरलता है कि टोपी उछलने के बाद भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। क्षत्रिय समाज की आपने पगड़ी उछाल दी, मुद्दा नहीं बनाया। पर चाहे पद्मावती की बात हो और चाहे हमारी बहन बेटियों के अंग्रेजों को देने की बात हो, अगर मेरी बहन बेटियों के चरित्र पर कोई अंगुली उठाएगा, बकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई माफी नहीं होगी, कोई माफी नहीं होगी। कल हम लोग गए मेरी उन माताओं को समझाने जो जौहर व्रत लेके बैठी हुई थी। अभी आपके ये भाई जिंदा, आपका ये पुत्र जिंदा है। जौहर तब लिया जाता है जब अपने घर में कोई मर्द नाम की कोई चीज ना बची हो। साके में हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा अपना सर का बलिदान दे चुका हो। सर कटे धर लड़े, उसके बाद की कहानी जौहर है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल गुजरात के कुछ क्षेत्र का क्षत्रिय खड़ा हुआ है, और कल के बाद आप देखा होगा, कल राजस्थान में, एमपी में, गुजरात, अलग अलग महाराष्ट्र में, राजनाथ सिंह जी आज 2-3 घंटे राजस्थान जयपुर में पहुंचे हैं। कल की घटना के बाद वहां 5-7 अलग अलग संस्थाओं ने ज्ञापन दिया कि महिपाल सिंह को और जो भी पदाधिकारी पकड़े उनको छोड़ो, नहीं तो यह आंदोलन यहां भी होगा। राजनाथ सिंह जी पहुंच गए आज दोपहर में। समझ रहे इसका मतलब क्या है, इसकी ताकत समझ रहे हैं हम लोग? यह मुद्दा अगर पूरे देश में गया, मैं सही बता रहा हूं, अभी कोई बोल भी रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए जो आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस समर्थित है। मैं चौहान वंश से हूं, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। मैं आस्थापुरा की सोगन खा के बोल रहा हूं, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी का पक्का वोटर हूं। पर इस तरीके से अगर तुम जबरन धर्मांतरण कराओगे, तुम्हें वोट तो बहुत दूर की बात है, जहां से आए थे वहां भेजने की औकात भी हमारी है। ये बोल रहे 400 पर, मैं बोल रहा हूं अब की बार पार्लियामेंट के बाहर। एक नारा अपन देंगे और ये वो, अगर 5 दिन 2 दिन जो भी कोई अल्टीमेटम है उसमें पुरुषोत्तम रूपाला नाम, तो इसका पुरुषोत्तम न, ये असली में पुरुष खत्म है, पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, उनकी उपाधि है। ये खत्म व्यक्ति, पुरुष खत्म, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता, अगर उसकी टिकट वापस नहीं ली गई तो एक नारा 2008 में मुझे, 2017 में मुझे पकड़ा गया था, 48 दिन की जेल काटी थी। और आपको मालूम हो तो 3 राज्यों की सरकार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने कल प्रशासन को बोला भी था, मन का तुम गलत आदमियों को पकड़ रहे हो भाई, तुम्हारे ये 2-3 घंटे ऐसे होगा डिटेन करके बिठाएंगे, पर 2-3 घंटे में कहां कहां आग लगेगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो हकीकत में ही जानता नहीं था, उसने फिर वो फीडबैक लिया, फिर मालूम करा
फिर उसने पूछा जिज्ञासा हो गई क्या क्या, मैंने कहा मैं पिछली बार जब लास्ट पकड़ा गया था तो 3 स्टेट की सरकार चली गई थी और मुट्ठी पर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर तुम खो रहे हो ना तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख है नहीं कोई। एक रूपाला के लिए दिल्ली की राजगद्दी को अगर तुम दाव पे लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूं रूपाला को मसल देंगे। कहां कहां जाएगी सीटें समझ में नहीं आएगी। 25 की 25 देते थे और एक नारा दिया था 2017-18 में, क्या दिया था एक बार दोहराऊंगा और आपको थोड़ा आवाज तेज करना क्योंकि मुझे मालूम है काल लगा के सुन रहे हैं मोदी जी, और आपकी कसम मोदी जी आपसे बेर नहीं है पर रूपाला तेरी खैर नहीं है भैया। अमित शाह जी और मोदी जी मुझे मालूम है, मैं जहां तक समझता हूं और मेरी जो समझ है इतनी गहराई से इस मीटिंग को देख रहे होंगे तो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई मोदी जी देख रहे हो तो कमल का फूल जोर से लगाओ एक बार, कमल का फूल, दोनों हाथ उठो ऊपर उठा के, कमल का फूल। ये नारा आपके लिए नहीं है मोदी जी, अमित शाह के लिए, पर अगर ऐसे बंदरों को आप ये रेवड़ियां बांटोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।